अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की जो वीडियो दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करूँगा। यदि आप कतर में हो तो या फिर कतर जाने के बारे में आप सोच रहे हो, किसी भी एजेंट को पैसा देने के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी भी एजेंट को आपने पैसा दिया है, तो दोस्तों इस तरह का बहुत सारा दिक्कत वहाँ पर हो रही है। वो दिक्कत क्यों हो रही है इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई कतर का फ्लाइट जो है वो बंद हो चुका है क्या, कतर में जो क्वारंटीन सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, और ये भी पूछा जा रहा था क्या कतर का वीजा प्रिंट होना बंद हो चुका है। तो इस तरह का दोस्तों बहुत सारा सवाल मेरे पास आ रहा था, बहुत सारा कमेंट मेरे पास आ रहा था। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सारा जो मन में कंफ्यूजन है, जो आपको परेशानी हो रही है, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात यहाँ कर लेते हैं कि कतर फ्लाइट के बारे में। तो साथियों, जो भी एजेंट आपको ऐसा बोल रहा है कि कतर का जो फ्लाइट है वो बंद हो चुका है, तो दोस्तों वो बिल्कुल आपके साथ झूठ बोल रहा है, वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये भी बात दोस्तों बोला जा रहा है कि क्या वीज़ा वहाँ पे नया वीज़ा इशू होना बंद हो गया या फिर कोई भी वीज़ा बिना बंद हो गया। तो दोस्तों, ना वीज़ा बंद हुआ है ना फ्लाइट बंद हुआ है। अब एजेंट दोस्तों इसलिए वहाँ पर ऐसा वो कर रहा है क्योंकि वो बचना चाह रहा है। दोस्तों हो क्या रहा है कि वीज़ा अभी जो है वो कतर में प्रिंट नहीं हो रहा है, और वीज़ा प्रिंट नहीं होने का दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर होटल क्वारंटीन नहीं हो रहा है। अब होटल क्वारंटीन दोस्तों इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों होटल का बुकिंग यदि आप चेक करोगे डिस्कवर कतर के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको सारा का सारा होटल जो आपको बुक मिलेगा। तो दोस्तों होटल बुक होने के कारण वहां पे नया वीजा को प्रिंट नहीं किया जा रहा। दोस्तों नया वीजा इसलिए प्रिंट नहीं किया जा रहा है कि यदि वो नया वीजा को प्रिंट कर देता है और फिर यदि काफी दिनों तक यदि आपका होटल बुकिंग का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो आपका क्या हो सकता है, वीजा एक्सपायर हो सकता है। इसके वजह से भी कंपनी क्या कर रही है, आपको वीजा को प्रिंट नहीं कर रही है, और एजेंट जो है ये सब तामझाम से बचने के लिए आपको डायरेक्ट क्या बोल दे रहा है कि अभी वीजा का काम नहीं हो रहा है, अभी वीजा इशू नहीं हो रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। इस तरह से बातें दोस्तों बहुत सारे आपको बताई जा रही है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये समझिए कि ना फ्लाइट बंद है, ना वीज़ा बंद हुआ है, ना होटल क्वारंटीन बंद हुआ है, सब कुछ चालू है। बस सबका रीज़न एक ही है क्योंकि होटल क्वारंटीन का बुकिंग अभी फुल चल रहा है। जैसे ही होटल बुकिंग का जो खाली होगा जगह, तो दोस्तों फिर से वीज़ा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो फ्लाइट है वो बहुत ही जल्दी कर दी जाएगी। तो बस दोस्तों आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, इतना दिन आपने वेट किया है तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बस दोस्तों यही रीज़न है कि आपको एजेंट या फिर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि अभी वीजा इशू नहीं हो रहा है या फ्लाइट बंद है, यही वो रीजन है ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों यदि आप डिस्कवर कतर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, सिर्फ गूगल में सर्च कीजिए डिस्कवर कतर, उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। उसमें सारा डिटेल दिया हुआ, किस दिन होटल बुकिंग खाली है, किस दिन तक फुल है, सारा डिटेल उसमें दिया हुआ, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करते, दोस्तों साथ शेयर करते ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर।